तो डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट में विदेश यात्रा को भी महंगा बना दिया है। रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में कम हो जाने से हवाई किराए में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिल्ली की हरप्रीत कौर अब से 2 हफ्ते बाद अमेरिका जाने वाली हैं। इससे पहले वो हवाई टिकट खरीदने के लिए ट्रेवल एजेंट के दफ्तर पहुंची, लेकिन यहां आकर उन्हें तब हैरानी हुई जब उन्हें ये पता चला कि 2 हफ्ते में अमेरिका का हवाई टिकट 57,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो गया, यानी उन्हें 3,000 रुपए फालतू देने पड़े। पिछले 1 हफ्ते से किराया जो है चेक कर रही हूँ, जिसका मुझे जो रेट बताया गया है अराउंड 57,000 था। अब आज मैं टिकट बुक कराने के लिए आई हूँ तो मुझे बताया गया है कि 3 से 4 हज़ार रुपए के अंतर में जो फेयर है वो बढ़ गया है। वजह, कच्चा तेल महंगा हो गया है और रही सही कसर डॉलर के मुकाबले रुपए की दुर्गति ने पूरी कर दी। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट ने एयरलाइंस को हवाई किराया बढ़ाने की पुख्ता वजह दे दी है। अमेरिका का किराया 57,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो गया है। यूके का किराया 37,000 रुपए है। सिंगापुर और बैंकॉक का हवाई किराया फिलहाल 21,000 रुपए है। पिछले हफ्ते सिंगापुर का हवाई किराया 19,000 रुपए और बैंकॉक का हवाई किराया 18,000 रुपए था। इसे एयरफेयर पे काफी इफेक्ट रहेगा। एक तो सीजन का शुरू है, ऊपर से पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ऊपर से डॉलर बढ़ने से और फ्यूल एक्सपेंसिव हो गया, तो एयरफेयर तो स्वाभाविक इंक्रीज होंगे ही होंगे। आउटबाउंड कस्टमर है, जो कस्टमर चाहे कॉर्पोरेट ट्रैवलर हो या लेजर हॉलिडे मेकर हो, अगर वो बाहर जा रहे हैं मुल्क से, तो उनका जो खर्चा है वो लगभग 8 से 10% बढ़ गया है। तो शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, इसमें डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। व्हेनेवर करेंसी का इंपैक्ट इतना सब्सटेंशियल पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली, जैसे फॉर एग्जांपल आउटबाउंड कस्टमर है जो यहाँ से जाता है उसके लिए एक्सपेंसिव है, जो अंदर आता है इंडिया उसके लिए चीपर है। रुपए की कीमत में आई गिरावट संभव है आगे चलकर संभल जाए, लेकिन फिलहाल ये ग्राहकों की जेब पर तो भारी पड़ ही रहा है। रुपए में आई गिरावट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा महंगी हो गई है। हर एयरलाइंस के किराए में 2,500 से 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। अगर आपने अपनी टिकट नहीं बुक कराई है तो हमारी तो यही सलाह है कि टिकट बुक करा लीजिए। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ सुप्रिया भारद्वाज, जी बिजनेस, दिल्ली।